3-3.5 लाख मतदाता है, एक एक ग्रुप का 3.5 लाख में कैसे औद्योगिक नगरी बन जाएगी? अभी तक हम उठा के देंगे, दिग्विजय जी का शासन था, कौन सा रोजगार का बता दे, 15 महीने कलंगनाथ जी रहे, 15 महीने में कौन सा एक रोजगार की बात करी हो? जय श्री राम कहते हैं, वोट बीजेपी को डालेंगे, मर जाएंगे जब पार्टी कितनी हो जा रही हो, वोट बीजेपी में ही डलेगा, हिंदुस्तान में रहते हैं और जय श्री राम कहते हैं। आए हमारे मोदी जी देख लो, पूरी दुनिया में भारत का नाम कितना ऊंचा हुआ है, आतंकवाद फातंकवाद सब खत्म हो गया है, और देश के गद्दारों को और देश के दुश्मनों को ना बिरयानी है ना खीर है, सीधी गोली है। अभी हम ग्वालियर की गलियों में हैं, यहाँ से वर्तमान में प्रद्युम्न सिंह तोमर विधायक हैं, जो शिवराज सरकार के कैबिनेट में मंत्री भी थे। वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सुनील शर्मा को मैदान में उतार दिया है, ऐसे में जनता क्या सोच रही है यह जानने के लिए हम ग्वालियर के तमाम क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और जनता से सीधे जुड़कर यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार कुर्सी सीएम किसे बनाने वाली है, साथ में वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि वहाँ से स्थानीय विधायक किसे जीतकर वह विधानसभा में भेजने वाली है। ऐसे में हमारे साथ तमाम लोग हैं और सवालों की मैं शुरुआत ये करूँगा, ये झंडा लिए हुए भाई साहब हैं, पहले क्या नाम है आपका? गुड्डू कुशवा। ये कांग्रेस का ये झंडा है, यहाँ सुनील शर्मा मैदान में है, कौन आ रहा है? अब जो तो पता नहीं है, वोट देंगे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो आप कांग्रेस का लिए? हाँ, तो कांग्रेस को वोट देते हैं हमको। हाँ, कांग्रेस वालों ने वैसे झंडा पकड़ा दिया है, अबे इनको यही नहीं पता कि पार्टी कौन सी है, कि किसी को भी देंगे वोट देते हैं हम तो पंजे को हमेशा, कोई कोई भी जीत कोई हार हमको मतलब नहीं, हमको हिलाने देना नहीं। प्रत्याशी कौन है कांग्रेस से ये भी नहीं पता? अच्छा, प्रत्याशी नहीं पता, वोट देना है पंजे पर ही? वोट हम सिर्फ पंजे वोट देते हैं, हमको पता नहीं है, हम तो यहाँ से मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनसे क्या नाराजगी है? वो तो मंत्री होंगे ना, क्या नाराजगी है उनसे? उनको भी वोट दिया पहले, पहले पंजे पे खड़े हुए थे पहले, उनको भी वोट दिया था पहले, हम वो दल बदल गए इसलिए आप, लेकिन आप अभी कांग्रेस में ही हैं? हम कांग्रेस में ही हैं सर। ये माननीय जी जीतना उन्हीं को, पहले 34,000 से जीते, 50,000 से जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने विकास ही इतना किया, चाहे आप सड़कों को उठा के देख लें, चाहे अपन स्वास्थ्य के विषय में देखें, स्वास्थ्य में सिविल अस्पताल देखें, 100 बेड जैसी मिल पर 100 बेड बनाया हुआ है, काफ़ी जो कांग्रेस में खड़े भाई थे तब भी हमने वोट दिया था हाथ के पंजे को, मंत्री खड़े हुए थे वो जीते थे, जीते थे ना, विकास हुआ कि नहीं हुआ? कोई कोई माननीय मंत्री जी ने विकास किया? कोई अस्पताल जाएगा कोई ये नहीं कहेगा ये सरकारी अस्पताल है, ऐसा लगे देख लो 1,000 बेड वाला अपना, ये कोई कह सकता है क्या? अस्पताल देख लो, अपना मनोरंजन देख लो, कितना बढ़िया हो गया, आज अजीरे पे कितनी सुविधा हो गई है, इसलिए तोमर कहीं भी चले आइए, हर जगह सड़कों का काम चल रहा है, अभी तो जाम लगता था अजीरे चौराहे पे कुछ समय, आप देखो आज तो लगे हुए, ये कह रहे हैं कि व्यवस्था चकाचौंध है, आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में ही अभी झंडा लेके दौड़ रहे हैं? तो कांग्रेस को पहले भी दिया था, मंत्री को बोला वोट नहीं दिया था हमने, दल बदल गए लेकिन हम अभी कांग्रेस में ही है। आएगी सर बीजेपी, तोमर साहब ही जीतेंगे और कम से कम 50-60 हज़ार वोटों से जीतेंगे, और 24 क्या क्या किए थोड़ा काज आपसे कह रहे, अस्पताल देख लो, मनोरंजन देख लो, हर चौराहा देख लो, कितने बड़े बड़े चौराहे हो गए, रोड हो गए, चाहे हम कोई भी बात करें, 1 रुपए का है विधायक जी तब मंत्री जी घर से मांग रहे हैं भैया, क्या 1-1 रुपए घर से क्यों मांग रहे हैं वो? 1-1 रुपए है जानकारी है, वो तो जनता खाना अपना दे रही है ना, अपना हम खुद इकट्ठा कर रहे हैं, मंत्री जी नहीं मांग रहे किसी से, वो कह रहे हैं औद्योगिक नगरी बनाएंगे, औद्योगिक तो वो तो बनाएंगे ना, जब इतना वो विकास किया है उन्होंने, कांग्रेस का एक भाई 3-3.5 लाख मतदाता है, 1-1 रुपए का 3.5 लाख में कैसे औद्योगिक नगरी बन जाएगी? ये तो अपना अपना वो है, कांग्रेस वालों का अपना अपना वो है कि 1 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं या 2 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, वो तो जनता अपने सरकार को सुविधा मिल रही है जनता को सरकार द्वारा, ना तो वाला गरीबी रह गई किताब बनी ना वाला पास बना, हमको राशन नहीं मिल रहा, हमको हमारा वो घर पे नहीं, नहीं कि तुम्हारा पास बन जाएगा, नहीं मेरा पास नहीं है, मेरा पास नहीं है। जब तक आप अपनी जो भी समस्या है उसके लिए शिकायत क्षेत्र भी है
है ना, हमारे जो मंत्री जी हैं वो सुनवाई भी करते हैं। अगर आप जाएंगे, आपकी जो भी समस्या है बताएंगे, अगर उस पर काम नहीं हो तो आप खड़े हों। लेकिन बगला पे गए थे, अर्थित बगला पे, अर्थित बगला पे गए थे हम, उन्होंने कोई सुनी नहीं, कैसे कागज लेके आ, वो लगा तो हम काम नहीं कर रहे, पत्ते रहे उधर महीना भर। कागज तो लाने पड़ेंगे ना काम के लिए, बिना कागज कैसे काम होगा। अगर आप मजदूर हैं तो आपको मजदूर के अपने कागज तो दिखाने पड़ेंगे कि मजदूर हूँ, नहीं तो कोई भी खड़ा होकर बोल देगा कि मैं मजदूर हूँ, मुझे ये चीज दो। राशन मिल रहा है, अनाज दवाई राशन सब फ्री मिला, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा। मेरे को राशन कार्ड, वो राशन कार्ड बंद है मेरा, और मजदूरी किताब नहीं है मेरी। कांग्रेस को सफेदवार बंद है, कांग्रेस ने बनवा दी? नहीं, किसी ने नहीं बनवाई अभी तो। फिर मंत्री जी मेरे खुद घर पे गए थे पहले, आज के पंजाब बोर्ड गए, वो भी जाते हैं, वो भी जाते नहीं बना, नहीं बना। आप मन बना लें कि इस बार भले मंत्री जी थे पहले कांग्रेस में, लेकिन कमल को ही वोट देंगे, भारी मतों से विजयी बनाएंगे, अब की बार 50,000 से जीतेंगे। बन कुछ किए नहीं हमारे लिए तो हम काहे देंगे। नहीं, ऐसा होता है ना कि उनसे कागज मांगे तो कागज लेके नहीं जा पाए होंगे, ऐसा हो सकता है। कैसे तुमने आज किसी भी आम इंसान को लेके देख ला, पर किसी को भी माननीय जी ने अपने बंगले पर 10 कैमरे लगाई हुई है। रोजगार की क्या व्यवस्था बताइए, 60,000 परिवार को रोजगार की व्यवस्था बताइए, रोजगार की व्यवस्था बताइए। युवा है आप, रोजगार मिलेगा, मंत्री जी आएंगे, उद्योग कब मिलेगा, औद्योगिक नगरी बनाएंगे यहाँ की, 1,00,000 भर्ती हो, कहाँ भर्ती हो गई, क्या 1,00,000 पूरे एमपी में 1,00,000 भर्ती हुई है, एमपी मध्य प्रदेश में किस योजना के तहत भर्ती हुई है अभी 1 साल के अंतर्गत, आप उठा के पटवारी भर्ती घोटाला आपके शासन में होता है, व्यापम घोटाला आपके उसमें जांच बैठी हुई है। और दूसरा, अपन रोजगार की बात करें तो अब रोजगार पे ही माननीय जी ने, एक अमित शाह जी आए थे रोजगार पर ही बात उठाई थी, और इस बार चुनाव रोजगार का ही माननीय जी ने कहा है, और ज्योतिराज सिंधिया जी ने कहा है कि इस बार रोजगार ही लेके आएंगे। अभी तक अपन उठा के देंगे, दिग्विजय जी का शासन था, कौन सा रोजगार का बता दें, 15 महीने कमल कलंगनाथ जी रहे, 15 महीने में कौन सा एक रोजगार की बात करी हो, अगर युवाओं का इतना वो है। विधायक भारतीय जनता पार्टी वो तो कांग्रेस को लेकर टूट गए, तो कार्यक्रम काम नहीं हुआ ना, काम नहीं हुआ, इसलिए आज देख लो, आज किसी एलिमेटेड रोड देख लें, सिविल अस्पताल देख लें, स्वास्थ्य के विषय में सीएम राज पब्लिक स्कूल देख लें, आज ऐसे कई हो जो माननीय जी ने अपने इस क्षेत्र को जिस तरीके से बनाया, ये 5 साल आने वाली 50,000 से जीतने वाले हैं। और चाहे शराब की दुकान हो, शराब की दुकान पर लड़ रहे हैं, शराब की दुकान बंद करिए, माननीय जी एक संघर्षशील व्यक्ति है और इस बार 50,000 से जीत रहे हैं। क्षेत्र में इस बार मुद्दा फिर से, जैसा कभी वो कह रहे थे, ये दल बदल वाला फिर से उठ रहा है कहीं कहीं, ये नहीं लगता इससे नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस में थे फिर भाजपा में आए फिर उपचुनाव जीत के, तो ये नहीं लगता किस बात थोड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस के लोग जो थे वो अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, सिंधिया जी को नहीं, सिंधिया जी ने देखा देश किसके हाथ में मजबूत है, मोदी जी के हाथ में मजबूत है, तो मोदी जी के साथ आए, मोदी जी ने उनको आशीर्वाद दिया, तो सिंधिया जी के राजमंत्री राज्यसभा में पहुँचाया उन्होंने, रागड़े उड़े मंत्री बनाया सिंधिया जी, तोमर साहब, ऊपर मोदी जी, सरकार दोनों डबल इंजन की रहेगी तो पूरा काम होगा। 10 फाइल भोपाल से जाएंगी दिल्ली तो 10 रुपये साइन होके आएंगे। अगर सरकार अनु मिश्रा को जानते हैं, अनु मिश्रा अटल बिहारी जी के भांजे जी जानते हैं, उनको टिकट नहीं मिला, वो नाराज है। कोई दे नहीं, नाराज तो रहती है, खुशी नाराज इस जगह में रहती है, परिवार के है नाराज जरूर होंगे, लेकिन वो आज दशहरा भी है, विभीषण ने लंका लगा दी थी, पूरी लंका जल गई थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बैठ के उनमें बात चल रही है, तो आपस का घर में है वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज राजी से ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है वो। अनु मिश्रा जी विभीषण नहीं है, जैसे परिवार की है बात। देखो, देश की जनता जानती है कि देश किसके हाथ में मजबूत है, स्टेट किसके हाथ में मजबूत है, आज ये सब युवा खड़े हैं, आज हमारे मोदी जी देख लो पूरी दुनिया में भारत का नाम कितना ऊंचा हुआ है, आतंकवाद फातंकवाद सब खत्म हो गया है, कौन देश के गद्दारों को और देश के दुश्मनों को, ना बिरयानी है ना खीर है, सीधी गोली है। महंगाई पर नियंत्रण को लेकर कुछ प्लान है आप पाकिस्तान जी, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान मत जाइए, यही बात प्लान है क्या, महंगाई पे नियंत्रण का, महंगाई यही नहीं है, महंगाई नहीं है, नहीं महंगाई इतना भी वो नहीं है, महंगाई को अगर अपन देखा जाए तो आज जितनी योजना है, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा महंगाई कुछ बोली क्या कह रहे हैं बताइए, दूर दूर से वो कह रहा पलटी करो, क्या है पलटी, अब पता नहीं कह रहा कांग्रेस किसी की पलटी करो, मेरी पलटी से होगा क्या, वोट ईमानदारी से जहाँ डालना वहाँ डालना पड़ेगा, डालना ईमानदारी, अपन तो हिंदू साइड में जय श्री राम कहते हैं, वोट बीजेपी को डालेंगे मर जाएंगे, चाहे पार्टी कितनी हो चाहे नहीं हो, वोट बीजेपी में ही डलेगा, हिंदुस्तान में रहते हैं और जय श्री राम कहते हैं।
ठीक है, वोट यही डलेगा। चढ़ाई है कि नहीं है? महंगाई है, ये मोबाइल ये बच्चा ही चला रहा है, महंगाई कहाँ से आएगी? महंगाई तो जो इतना बड़ा महंगा कमाई है ना, कोई भी करा रहा है। क्या आप क्या कहते हैं? पहले मोबाइल किसी सोच में से बाहर था, आज हर बच्चे की जेब में आपके पास मोबाइल मिलेगा। ये विकास नहीं, और क्या है ये? 20,000 मतलब जनता खुश है? खुश है, बहुत खुश है, हम तो खुश है। जब 500 का नोट बच्चा लेके चल सकता है तो कहाँ की कहाँ है गरीब ताई। आप युवा क्या सोचते हैं? माननीय जी ने जो विकास किया है हजीरा क्षेत्र में, चाहे आप सिविल अस्पताल जाके देख सकते हैं, आज से 3 साल पहले की रोडें देख लीजिए आप, और आज की रोडें देख लीजिए, कोई कह नहीं सकता ये पुराना ग्वालियर है। ये ज्योतिराज सिंधिया जी का ग्वालियर है, ये प्रद्युमन सिंह तोमर जी का ग्वालियर है, ये नरेंद्र मोदी का ग्वालियर है, ये किसी कांग्रेसी का ग्वालियर नहीं है। रोजगार की रोजगार कुछ व्यवस्था है यहाँ? रोजगार पहले कहाँ था? रोजगार आप ये बता दीजिए। नहीं, आप 18 सालों से आपकी सरकार, तो बताइए रोजगार कहाँ है? आप पहले की भर्ती देख लीजिए, अभी देख लीजिए, अभी आई थी। क्या भर्ती आई थी हमको बता दीजिए। पुलिस की भी आई थी, आर्मी की भी आई थी, अभी दोबारा आने वाली है। पटवारी की भी आई थी? पटवारी की भी आई थी। पहले 2,000 रुपये मेरे को तनख्वाह मिलती थी, ठीक, तब तक काम करते 2,000 मिलता। गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ, ठीक, 2,000 रुपये तनख्वाह दी, आज मेरी 12,000 है, तो ये नहीं बढ़ी मेरी। मजदूर होता था 300 रुपये लेता था, 800 रुपये लेता, 800 रुपये लेबर है, 700-800 रुपये लेता है ठेकेदार। हम कारीगर है, हमको मिल रहा है 800 रुपये, हमको मिल रहा है ना 800। पहले तो हम तो कारीगर है, हम तो कारीगर है। मंत्री जी ने काम किया कि नहीं किया, विकास किया कि नहीं किया, एक बार दिल से ईमानदारी से बता, एक बार बोलो। काम किया ना, विकास किया ना माननी जी ने किया ना? हाँ, विधानसभा में जितने राशन कार्ड बने हैं गरीबी रेखा के, किसी वार्ड में नहीं बने, 62,000, ठीक है। और भी हम लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं यहाँ के क्षेत्र के विकास को लेकर। क्या नाम है आपका भाई साहब? विकास को लेकर बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, रोडें बनी हैं, हॉस्पिटल बने हैं, 2-2 CM राज स्कूल बने हुए हैं, और कितना विकास चाहिए। आने वाले समय में आप मंत्री जी जीतेंगे और विकास होगा, रोजगार भी आएगा, थोड़ा समय तो मिलेगा, रोजगार भी आएगा। एक कांग्रेस के व्यक्ति थे जो कह रहे हैं कि हम भाई कांग्रेस में ही मत डालेंगे, तमाम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्षेत्र का विकास हुआ है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, 17 तारीख को मतदान है, 3 दिसंबर को परिणाम सामने आने हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार जनता किसे कुर्सी देती है और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी इस बार किसके हाथों में मिलने वाली है। इस चुनावी चक्कलस को हम यही विराम देंगे। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्रदेश तक के साथ। 3-3.5 लाख मतदाता है, एक एक ग्रुप का 3.5 लाख में कैसे औद्योगिक नगरी बन जाएगी? अभी तक अपन उठा के देंगे, दिग्विजय जी का शासन था, कौन सा रोजगार का बता दें? 15 महीने कलंगनाथ जी रहे, 15 महीने में कौन सा एक रोजगार की बात करी हो? जय श्री राम कहते हैं, वोट बीजेपी को डालेंगे, मर जाएंगे, जब पार्टी कितनी हो जानी हो, वोट बीजेपी में ही डलेगा। हिंदुस्तान में रहते हैं और जय श्री राम कहते हैं। आए हमारे मोदी जी देख लो, पूरी दुनिया में भारत का नाम कितना ऊंचा हुआ है, आतंकवाद फातंकवाद सब खत्म हो गया है, और देश के गद्दारों को और देश के दुश्मनों को ना बिरयानी है ना खीर है, सीधी गोली।